Hello students, welcome to this channel. I'm your maths teacher. Today I'm class 9th maths ICSE board ka chapter 1st rational and irrational numbers ka introduction part yahan pe dekhenge, theek hai? So main aapko pehle bata deta hu number system ke about. Number system hamara jo hai wo two types ke numbers mein divide kiya gaya hai. First imaginary number and second real numbers, theek hai? So the complete number system is divided into two types of numbers. ठीक है, हमें यहाँ पे टू टाइप्स के नंबर्स में डिवाइड किया गया है नंबर सिस्टम को. सो आपका फर्स्ट जो है वो इमेजिनरी नंबर है. इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? जितने भी आपके नंबर्स होते हैं, ठीक है, अगर वो रूट में नेगेटिव आते हैं तो उन्हें हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं. ठीक है, जैसे कि सपोज रूट टू विद नेगेटिव साइन, रूट वन विद नेगेटिव, रूट थ्री विद नेगेटिव, रूट फाइव विद नेगेटिव. ये जितने भी नंबर्स होते हैं वो आपके इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं. ठीक है, सेकंड नंबर जो होते हैं वो आपके रियल नंबर्स होते हैं. रियल नंबर्स, ठीक है, इसमें आपके सारे नंबर्स आते हैं जिन्हें आप अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर जो होते हैं वो आपके चैप्टर में अभी नहीं है, ये आपको क्लास 11th में मिलेगा. सो इसके अबाउट हम वहाँ पे लर्न करेंगे. अभी आप रियल नंबर्स के अबाउट पढ़ेंगे यहाँ पे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं. ठीक है, सो देख लेते हैं आपका रियल नंबर कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, इन्हें हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 up to infinite. ये इनफाइनाइट टाइम्स तक होते हैं. ठीक है, ये हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं. सेकंड आपके होल नंबर्स आते हैं. होल नंबर्स जैसे W से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बेसिकली आपके जीरो से स्टार्ट होते हैं. 0, 1, 2, 3, 4, 5 and up to infinite. ओके, दिस टाइप के नंबर्स जिनमें आपका जीरो भी इंक्लूड होता है वो हमारे होल नंबर कहलाते हैं. ठीक है, आपने नंबर्स पढ़ लिए, होल नंबर्स पढ़ लिए. इसके बाद आपका आता है इंटीजर्स. इंटीजर्स, ठीक है, ये भी आपके नंबर होते हैं. बेसिकली इन्हें हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. ठीक है, अगर हम नेगेटिव नंबर्स भी इसी में इंक्लूड कर दें, -1, -2, -3 up to infinite, तो ये माइनस यानी कि नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स विद इंक्लूडेड जीरो, ये जो नंबर्स होते हैं ये आपके इंटीजर्स कहलाते हैं. ठीक है, थ्री टाइप्स के ये नंबर हो गए जो कि आपके चैप्टर में हैं. और इसके आफ्टर आपका आता है रैशनल नंबर्स. ठीक है, सो रैशनल नंबर देख लेते हैं क्या होता है. पहले रैशनल नंबर की मैं आपको डेफिनेशन यहाँ पर राइट करके बताता हूँ रैशनल नंबर. ठीक है, तो इसके हम यहाँ पे पहले डेफिनेशन देखेंगे. अ रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एंड द फॉर्म ऑफ P by Q.
वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू कैन नॉट इक्वल टू जीरो इज अ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो नहीं समझ में आया, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, रेशनल नंबर बेसिकली क्या होते हैं, वो नंबर्स जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं, और ये जो इसका डिनोमिनेटर है यानी कि क्यू, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वो हमारे सारे नंबर्स आपके रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, हम जनरली इसको ऐसे भी कह सकते हैं, रेशियो ऑफ एनी टू इंटीजर्स जैसे कि पी एंड क्यू वेयर क्यू कैन नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये भी आपका रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि पी बाई क्यू यानी कि क्यू आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। चलिए हम यहाँ पे आपको बताते हैं क्यों क्यू ज़ीरो, यानी कि ये जो क्यू है यानी कि डिनोमिनेटर क्यों नहीं ज़ीरो होगा। ठीक है, वाई क्यू कैन नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, यानी कि बी ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज डिवीज़न बाई ज़ीरो, ज़ीरो यानि कि पी बाई ज़ीरो इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। पी बाई ज़ीरो यानि कि किसी भी नंबर को हम अगर ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो वो अभी तक मैथमेटिक्स में नॉट डिफाइंड है, यानी कि इसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ओके, इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स रैशनल नंबर आर डिनोटेड बाय क्यू। ठीक है, रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। लाइक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एग्जाम्पल्स देख लीजिए कुछ, माइनस फाइव बाय सिक्स, ये भी आपका एक रैशनल नंबर है। ठीक है, वेयर यहाँ पे देख लीजिए आपका जो सिक्स है यानी कि डिनोमिनेटर क्यू इज कैन नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्यू आपका जीरो नहीं है। ठीक है, एंड फोर बाय थ्री, सेवन बाय टू, ये जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे आपके क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। यहाँ से आपको देखिए क्या देख क्या सीखने को मिला, लाइक फाइव बाई सिक्स, फोर बाई थ्री, सेवन बाई टू, ये क्या है आपके फ्रैक्शन है, राइट, फ्रैक्शन है, सो एवरी फ्रैक्शन नंबर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक है, सो एवरी फ्रैक्शन नंबर इज रैशनल नंबर, यानी कि जो भी फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं वो सारे आपके क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अभी नेचुरल नंबर्स के अबाउट देख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स एग्जांपल ले लेते हैं, वन,
ठीक है, वन। क्या इसके डिनोमिनेटर में हम वन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इफ हम टू ले लेते हैं, टू, इसके डिनोमिनेटर में भी हम क्या लिख सकते हैं? वन लिख सकते हैं। जैसे कि हम 20 ले लें, ये भी नेचुरल नंबर ही है हमारा, सो इसके डिनोमिनेटर में भी हम वन लिख सकते हैं। तो क्या कंक्लूजन यहाँ से हमें मिलता है? दैट एवरी नेचुरल नंबर इज ऑल्सो आ रैशनल नंबर। सो एवरी नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर्स, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एवरी नेचुरल नंबर भी आपका क्या होगा? रैशनल नंबर होगा, ठीक है। सो आपके नेचुरल नंबर एंड होल नंबर एंड इंटीजर्स, ये जो मैंने थ्री टाइप्स आपको बताए हैं, नेचुरल, होल एंड इंटीजर्स, ये सारे आपके नेचुरल आई मीन रैशनल नंबर्स ऑल्सो होते हैं, ठीक है। एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर्स, एवरी इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। जितने भी नंबर्स हैं आपके नेचुरल, होल एंड इंटीजर्स, ये सारे आपके रैशनल नंबर होते हैं। नाउ डेसिमल्स, डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे कि आप देख लीजिए, आपका होता है 1.25। क्या इसे हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं? यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में। लेट्स कैलकुलेट, 1/2 है, सॉरी 1.25 है, पॉइंट यहाँ पे 25, पॉइंट को रिमूव करिए, दो नंबर्स हैं यानी कि टू डिजिट हैं, सो दो जीरो आ जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे ये राइट हो गया आपका पी वन क्यू के फॉर्म में, वेयर क्यू इज कैन नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि क्यू है आपका वो जीरो के इक्वल नहीं है। सो यहाँ से क्या कंक्लूजन मिलता है कि आपके जो डेसिमल होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द डेसिमल आर रैशनल नंबर्स। जो मोस्ट नंबर्स, मतलब मोस्टली आपके जो नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, बट कुछ जो डेसिमल्स होते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सो इसलिए हमने यहाँ पे मोस्ट ऑफ द नंबर का यूज़ किया है, ठीक है। अभी वेरियस फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर देख लीजिए आप, वेरियस फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। सपोज मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, 2/3, 6/9, 10/15, ओके, ये थ्री नंबर्स मैंने यहाँ पे एग्जांपल में ले लिए हैं। अभी देखिए ये भी कैंसिल हो सकता है, इट मीन्स इसे अगर हम लिखना चाहें तो 3 2 6, 3 3 9, इसे ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10, 5 3 15। नाउ देखिए ये 2/3, 2/3, ये भी 2/3, इट मीन्स ये तीनों ही नंबर आपके क्या हैं? इक्वल हैं, ठीक है। तो इस टाइप के नंबर्स हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज इक्वी वैलेंट रैशनल नंबर्स, ठीक है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ आपके कोर्स में टू टाइप्स के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन गिवन है, ठीक है। सो टू टाइप्स ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कौन कौन से हैं?
यहाँ पे देख लेते हैं, फर्स्ट आपका गिवन है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। सेकंड जो टाइप आपका गिवन है वो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल्स, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको इन दोनों के अबाउट बताऊंगा कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो पहले हम फर्स्ट को देख लेते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। फर्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है इसके अबाउट, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स देख लेते हैं। सो लेट्स टेक एग्जांपल, हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स टेक 1/8, 1/8 को मैंने यहाँ पे ले लिया है। और एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, दो एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाऊँगा यहाँ पे। वन में ले लेता हूँ 1/25, ठीक है। तो 1/8 इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, राइट। तो हमें डिवीज़न आना चाहिए इसके लिए, तो हम डिवाइड कर लेते हैं। वन को डिवाइड करना है हमें 8 से, तो यहाँ पे जो आपका डिविडेंट है, ठीक है, वो डिवाइज़र से स्मॉल है, ठीक है। अगर डिविडेंट स्मॉल होता है डिवाइज़र से, तो हम यहाँ पे 0 के साथ डेसिमल का यूज़ करते हैं और यहाँ पे एक 0 को इंक्रीज कर लेते हैं। नाउ ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि डिविडेंड क्या हो गया, अभी डिवाइजर से बड़ा हो गया है। तो 8 वन 8, ओके। सब्सट्रैक्ट करिए तो सब्सट्रैक्ट करने पे यहाँ से बचेगा 2, ठीक है। डेसिमल ऑलरेडी हमने यूज़ किया है, तो डायरेक्ट अभी हम अगर छोटा है तो एक 0 को बढ़ा देंगे। 8 टू 16 सब्सट्रैक्ट करिए, कितना बचेगा आपके पास, 4, ठीक है। अभी भी डेसिमल लगा हुआ है, तो हमें 0 इंक्रीज करने के लिए कोई भी डेसिमल या कुछ भी इंक्रीज नहीं करना है। डेसिमल तो हम अगेन नहीं इंक्रीज करते हैं, बट अगर हम यहाँ पे 2 डिजिट यानी कि 2 0 इंक्रीज करना हो, तो एक यहाँ पे 0 इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे अभी 1 0 बढ़ा देंगे बस। 8 5 40 होता है, 5 40 माइनस करिए तो आपका कंप्लीट, ये देखिए डिवाइड हो गया, यहाँ से कुछ भी नहीं बचा, ओके। सो 1/8 की जो वैल्यू है आपकी वो आई है 0.125। ध्यान से अगर आप इसे देखें तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया है, इसके आगे अब ये डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए मैं दूसरा 1/25 है इसको भी डिवाइड करके दिखाता हूँ। 1/25 ऐसे डिवाइड करना है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमें 1 को डिवाइड करना है 25 से। अगेन सेम कंडीशन, 1 हमारा यानी कि डिविडेंट हमारा स्मॉल है और डिवाइजर बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे और देन डेसिमल का यूज़ करेंगे। तो इससे हम क्या करेंगे, 1 0 बढ़ा देंगे। बट अभी भी आपका डिविडेंट क्या है, छोटा है डिवाइजर से, तो हम क्या करते हैं, 1 0 यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं। देन हम यहाँ पे एक और 0 बढ़ा देते हैं। अभी देखिए डिविडेंड आपका क्या हो गया है, बड़ा हो गया है डिवाइजर से, ठीक है। तो 25 4 कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। अगर हम अभी क्या करें, सब्सट्रैक्ट, तो आपका 0 आएगा यानी कि कुछ भी नहीं आएगा। तो अगर हम 1 को 25 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 0.04 आंसर, ठीक है। तो इन ईच केस, बोथ केसेस में हमने देखा कि जो हमारा डिवाइड है, डिवाइड क्या हो जा रहा है, ये जो नंबर है वो कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है, राइट। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। सो आपका कंक्लूजन यहाँ से क्या निकलता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल आपके वो डेसिमल्स होंगे जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। डिवाइड हो जाएंगे, उन्हें हम टर्मिनेटिंग नंबर्स कहेंगे, ठीक है। सो हियर हमने क्या देखा, इन ईच एग्जाम्पल गिवन अबव द डिवीजन
डिवीजन एग्जैक्ट दैट इज दैट इज नो रिमाइंडर इज लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई भी रिमाइंडर देखिए नहीं बच रहा है, ये जीरो हो गया है आपका। ठीक है, द क्वोशेंट ऑफ सच डिवीजन सच डिवीजन आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दैट टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आपके क्या होते हैं, जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं, ठीक है, और उनका रिमाइंडर हमारे पास क्या हो, जीरो हो। ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी ना बचे, तो उस टाइप के नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स को टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड देख लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल्स। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल्स, इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल लेकर ही समझा देता हूँ, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स टेक 3/7, 3/7 को हमें क्या करना है, अभी डिवाइड करना है और इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, सो लेट्स डिवाइड 3/7। यहाँ पे भी आपका डिविडेंड क्या है, स्मॉल है। अगर डिविडेंड स्मॉल है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 0 पॉइंट, और यहाँ पे एक जीरो इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इंक्रीज कर दिया। नाउ देखिए, 7 4 28 4 28 माइनस करिए, देन 2, डेसिमल ऑलरेडी हमने यूज़ कर रखा है और डिविडेंड हमारा छोटा है डिवाइजर से, तो हम जीरो इंक्रीज करेंगे। 7 2 14, अगेन माइनस करिए, 6, जीरो इंक्रीज। ठीक है, 8 टाइम्स में कैंसिल होगा, 7 8 56, माइनस करिए, 4, 0, 7 5 35, माइनस 5, देन अगेन यहाँ पे हम 0 इंक्रीज करेंगे, एंड 7 7 49, माइनस करेंगे, देन आपका 1 यहाँ पे, 0, 7 1 1 7, और इसको डिवाइड करिए, देन यहाँ पे सब्सट्रैक्ट 3। देखिए सेम नंबर आ गया, अगेन 7/3 आ गया ना आपके पास। इट मींस ये कॉन्टिन्यूस डिवाइड होता रहेगा और हमारे पास रिमाइंडर अगेन बचता ही रहेगा, ये कंप्लीट आपका चलता ही जाएगा, कभी एंड पॉइंट इसका नहीं आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल, 18/23। ओके, इसको आप सभी डिवाइड करके चेक करिएगा, मैंने ऑलरेडी डिवाइड किया है, तो इसका आंसर आता है 0.78 26 0 86 एंड सो ऑन। ये कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहता है, चलता रहता है, कभी भी एंड नहीं होगा। यहाँ पे कंक्लूजन क्या मिला आपको, यहाँ पे हमने देखा इन ईच एग्जांपल गिवन अबव the division never ends no matter how long it continues the quotient of such division
आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल्स। ठीक है, डेसिमल्स। आई होप आपको यहाँ पे नॉन सॉरी आई मीन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स के अबाउट अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम लर्न करेंगे कि हम विदाउट डिवीज़न आई मीन विदाउट एनी डिवीज़न कैसे किसी डेसिमल नंबर को ये बता सकें कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो इसके अबाउट हमें यहाँ पे लर्न करना है। सो विदाउट डूइंग एनी एक्चुअल डिवीज़न फाइंड वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉट। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिख रहा हूँ, उन्हीं को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज 17/50, सेकेंड 7/8, थर्ड 23/72। ये थ्री यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं नंबर्स, रैशनल नंबर्स। इनको हमें फाइंड करके बताना है कि कौन से आई मीन ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। बट कंडीशन ये है कि हमें यहाँ पर कोई भी एक्चुअल डिवीज़न नहीं किया है। ठीक है, सो इसके लिए जो कंडीशंस होती हैं वो मैं यहाँ पे आपको पहले बता देता हूँ। देखिए क्या होती हैं। इफ दी डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज 2m एंड 5n, वेयर m एंड n बोथ आर होल नंबर्स, दी रैशनल नंबर इज कन्वर्टेबल इन टू टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, इन टू टर्मिनेटिंग डेसिमल, सिंपल। देखिए यहाँ पे जो भी आपका रैशनल नंबर गिवन होगा, सपोज ये जो गिवन है इनके जो डिनोमिनेटर है वो 2m एंड 5n के फॉर्म में होंगे, और इनका जो ये m एंड n है ये बोथ जो पावर्स हैं वो होल नंबर होती हैं, तो वो आपका कन्वर्टेबल मीन्स वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है। ठीक है, यही कंडीशन है इसको फाइंड करने की। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे फर्स्ट आपका जो गिवन है 17/50। ठीक है, 17/50 गिवन है। सो ये जो डिनोमिनेटर है इसके हम प्राइम फैक्टर्स पहले कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए सिंपली हमें क्या करना होगा, इसके फैक्टर्स करने होंगे। 50 है, चाहे तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्टली 5 से करें। ठीक है, नो मैटर, हम 2 से कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 1 देन 10 हो गया। यहाँ पे 2 5 ज़ा 10। अभी ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। अभी ये किससे डिवाइड होगा, 5 से। 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 1 ज़ा 5। ठीक है, सो यहाँ पे आपका जो 50 है डिनोमिनेटर, इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 × 5 × 5। अगर हम इसे लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 2^1 × 5^2। ये तो लिख सकते हैं। ठीक है,
लिख सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे ये आपका 2 द पावर m इंटू 5 टू द पावर m की फॉर्म में है, बिल्कुल है। तो यानी कि इस नंबर को हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो डिनोमिनेटर इज एस 2 द पावर m इन टू 5 टू द पावर n, ठीक है। सो रैशनल नंबर 17/50 इज अ टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल, सॉरी, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये आपका क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नाउ इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है आपका? सेकंड पार्ट इज 7/8, और इसका 8 यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर है इसको हम प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं इसके। 8 2 4 8, 2 2 2 1, अगर हम इसको लिखें तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 की फॉर्म है, राइट। तो अगर हम इसे और सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं 2 द पावर 1 2 3 3 एंड 5 टू द पावर 0, यानी कि किसी की भी पावर 0 हो उसका मतलब 1 होता है, ठीक है। सो ये भी आपका एक्सप्रेसिबल है एज एक्सप्रेस्ड एस 2 द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, ठीक है। दैट इज रैशनल नंबर 7/8 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ये भी आपका क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में है। नेक्स्ट देख लीजिए, लास्ट आपका थर्ड पार्ट जो मैंने एग्जाम्पल में लिया हुआ है, 23/72, 23/72, यहाँ पे 72 जो कि आपका डिनोमिनेटर है। इसके हम क्या कर लेंगे? प्राइम फैक्टर्स करेंगे, ठीक है। यानी कि 72 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18। अभी ये 2 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। सो इसके जो प्राइम फैक्टर्स आपके आए हैं वो 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 टाइम्स 2 एंड 3 इंटू 3। अगर इसे हम लिखें तो 2 द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2, ठीक है। यही है, दैट इज 72 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज 2 द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, हेंस हेंस रैशनल नंबर 23/72 इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर रैशनल एंड इरेशनल नंबर का ये इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस मिल सकें। मैं आने वाले टाइम में आपकी क्लास 9th एंड क्लास 10th ICSE कंप्लीट यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।